तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। सदर एरिया में छावनी परिसर में सुबह एक भीषण आग लगी है, जहां जिस घर में आग लगी है वहां पे केमिकल बहुत ज्यादा प्रमाण में रखा हुआ था। तो हम यहाँ की पब्लिक से जानना चाहते हैं कि ये आग कैसे लगी। सर अपना नाम बताइए। जसवीर काटरपुर। ये आग कैसी लगी? एक्चुअली ये हो गया मॉर्निंग 11:45 के बजे के करीब करीब अपना एक्चुअली अंगार लग गई करके नीचे से, तो पर चिल्ला रहे थे वहाँ पर सब लोग। तो मैं नीचे आगे जैसे देखा तो बहुत अंगार थोड़ी सी थी, लेकिन जैसे ही अपना वो जितने भी स्प्रेज वहाँ पे रखे हुए थे जो गाड़ी को पूछने के साफ करने के, उसमें शायद से एथेनॉल या कुछ स्प्रिट कुछ था, तो उसके ब्लास्ट होने की जैसी आवाज़ शुरू हुई तो जैसे बिल्कुल 10 गुना में बढ़ने लग गई आग। बिल्कुल जैसे एक फूटा दूसरा तीसरा, और आग इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई कि जिसके आदमी और पूरा मतलब माहौल इतना ये हो गया था कि बहुत ही बिल्कुल धांधली हो गई थी सब। फिर बहुत देर से उनको बुझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसमें एक्चुअली पहले तो ये लगा कि कोई अपना अंदर नहीं है करके, जितने भी उनके काम करने वाले थे वो तो बाहर निकल गए थे। फिर बहुत देर के बहुत मुशक्कत करने के बाद में जब फायर ब्रिगेड आई और उन्होंने सब बुझाया, तो उसके बाद में हुआ ये कि सब बुझने के बाद हम लोग जब जाके चेक करे तो हमारे अपना चाची लगते हैं हमारे लता काटर पवार करके, तो पता चला कि उनका जो पूरा बॉडी डेड बॉडी पूरा डेड हो गया, पूरा जल गया है करके, और बहुत ज़्यादा अपना मात्रा में उसके अंदर में जो एथेन ऑयलिक जो अपना प्रोडक्ट जो रहते हैं जो गाड़ी को साफ़ करने के काम में आते हैं, और जो जिसमें स्पिरिटिक जो प्रोडक्ट ज़्यादा रहता है वो चीज़ उसके अंदर ज़्यादा थी। और दूसरी ये बात मेरे को ये पता नहीं क्या बता रही थी कि उधर साइड के जो अंदर साइड में जो है वो ड्रम्स में भी कुछ उनका केमिकलाइज कुछ प्रोडक्ट था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गया और पूरा जलते लग गया। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्लास्टिस जैसी आवाज़ आने लगी, आप देख भी सकते हो कि पूरा जो है वो अपना जो ग्रिल्स जो है वो भी गल गई, और हमारी साइड का भी जो घर है ये वाला शॉप मेरा है केराजना टेलर्स वाला, और उसमें जो पूरा ऊपर का जो हमारा वाला एरिया है वो भी पूरा जलने लग पड़ा। तो उसकी वजह से हुआ ये कि हमारा जो घर के साइड का जो अपना अलमारी वगैरह थी उसके अंदर कुछ शादी का अपना सामान था, मेरे भाई की शादी है और सिस्टर्स की भी है, तो उसके भी शादी के जो कपड़े वपड़े थे वो भी उसमें पूरे जल पड़े और बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो गया। हमारा नुकसान भी हमारा तो हुआ थोड़ा बहुत नुकसान ही, हमारे जो रिलेटिव है हमारे घर के बाजू हमारे पड़ोसी रहे वो अनिल जी काटरपुर, तो उनका भी बहुत घर वर का नुकसान हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो गया। बुझाने के बाद पुलिस वाले तो आ गए, उन्होंने पूरा माहौल क्लियर कर लिया, जो पंचनामा वगैरह वो बना रहे हैं वहाँ पर साइड में खड़ी है पुलिस, और साथ ही साथ ये डेड बॉडी को जो अपना रिकवर कर लिया पुलिस वालों ने लेकर के चले गए, उसमें अपना चादर में लिपट करके उन्होंने लेकर के चले गए। अभी तो आग जब लगी तब वहाँ कौन कौन मौजूद था? बहुत सारे लोग थे, फैमिली सारे मेरे घर वाले जितने भी थे फैमिली मेंबर्स, हमने बुझाने की पूरी कोशिश की, 2 सिलेंडर्स भी रखे थे ऊपर में, तो मैंने तुरंत ही उसको अपना निकालने की कोशिश की, लेकिन जो पुलिस वाले थे हमारे साथ के उन्होंने बोले बिल्कुल मत जाओ अगर आपको भी लग सकती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो उन्होंने थोड़ी देर अपना हमारे घर के पानी से पूरा पानी कैसा एक दिन के बाद आड़ में पानी आ रहा था वही प्रॉब्लम थी, जितना भी पानी था हमने पूरा यूज़ करके थोड़ा बुझाने की कोशिश की, और वहाँ से 2 सिलेंडर मैंने थोड़ा नीचे आके लग गया। अल्फेज अंसारी करके नाम है उसका, तो बहुत ही हैवी मात्रा में केमिकल था। तो एक्चुअली हुआ क्या कि पहले जैसे एक ब्लास्ट हुआ ना तो पहले सबने कोशिश की बुझाने, ये तो बिल्कुल नहीं पता चली, बिल्कुल इसका आइडिया तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम लोग थे, जो लोग जो थे ना यहाँ पर जो काम करने वाले वो तीन लड़कियाँ थी ना, अप्रोक्सीमेट तीन लड़कियाँ थी और दो भैया थे काम करने वाले, अच्छा जो जिससे मिक्स कर रहे थे, तो उससे स्पार्क हुआ। ये मेरे को तो परफेक्टली आइडिया नहीं है, जब मैंने आके देखा तो बहुत कम आग थी थोड़ी सी थी, जब ब्लास्ट होने लगे एक के बाद जब एक फूटने लगा, जब सब फटाके की जैसे नॉर्मली आवाज़ आती है बॉम्ब्स की, तो जैसे फूटा हो तो एक के बाद एक और इतना मतलब मात्रा में बढ़ गई थी, मतलब एक जैसा ब्लास्ट उड़ा था ना तो 10 गुना की मात्रा में उसका जो अपना साउंड मतलब बढ़ रही थी आग, हाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में। बहुत सी जगह ऐसा हो कि ब्लास्ट होकर जो वहाँ तक के जाके गिरे, और ये हमारे बाजू में अशरफी डेकोरेशन का काम करते वहाँ पर भी जा करके अपना बोतल गिरी। में आग लगी है उसके आसपास का एरिया भी पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका है, आजू बाजू का जो घर था उनके यहाँ के पूरे शादी के कपड़े गहने पैसे यहाँ तक कि पर्सनल डॉक्यूमेंट भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं, पासपोर्ट वगैरह भी जल गया उसका। आप इनके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन लेना चाहते हो सर, मुझे बताइए। ऑब्जेक्शन तो लेना ही है ना, हमारा तो शादी का पूरा हमारे शादी का थे कपड़े चाहिए गहने सोना कैश पूरा कैश भी था हमारा पूरा हर चीज, का ये गोडाउन था या ये जो कारोबार चला रहा था हाँ। क्या उसका कोई पता है? वो बाजू में रहता हूँ, वही रहता है, कजिन ही से था हमारे, वो किराए से दिया। नहीं ऑब्जेक्शन तो लेंगे, पहले वो किराएदार को लेना पड़ेगा, किराएदार से हुआ वो।
नीचे पहले किरायेदार जो था ना उनसे हुआ, शॉप थी, शॉप था उन्होंने उनके जो शॉप है जिनको रेंट पे वहीं से भड़का हो, उन पे लेना चाहिए ना, वो वहीं से भड़का हो, वहीं से भड़का है वो, पीछे से इतना भयंकर भड़का कि जैसे कोई, और आपकी लपटें एकदम ऊपर तक पहुंच गई है ना, और उससे आने से वो खिड़की दरवाजे को सब पकड़ लिया उन्होंने, बहुत परेशान हुए थे हम लोग, आप यहाँ किसी को जान की तो हानि नहीं हुई, नहीं नहीं वो बच्चे का हाथ जल गया थोड़ा सा, एक भतीजे का लड़के उसके फिंगर जल गए हैं, लड़के को घर वाले है वो साफ सफाई, ये है लड़का भाई, ये है लड़का भाई, पति जी की शादी थी, आजा मनोज आजा, शादी का पूरा ये, और वो लड़की का, बड़ी लड़की का, सर प्लीज बताइए आप कि ये सब अचानक से हो गया, आग लग गई तो आपके घर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी, हाँ नुकसान तो हुआ है, और मेन बात है कि मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स उसमें जल गए, और पासपोर्ट भी मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, मेरे बैग में था तो ये पीआर वाली में था, तो आग लग गई, ये पेटी है सर, सोना भी सोना, ये पूरा कब की थी आपकी सर शादी, अभी सगाई कर रहे हैं, निकाल रहे थे 2 मंथ में, हम लोग तैयार आ जाएंगे, 50-50 में करने का विचार था जल्दी से, तो बहुत ही भारी मात्रा में आपको नुकसान हुआ है यहाँ पर अचानक से आग लगने की वजह से, पूरा खत्म हो गया जी हमारा, तो पूरा सोच के सर सोना समझ में नहीं आ रहा, क्या दिमाग काम नहीं कर रहा, कैश तो पूरा खत्म हो गया, सोना वैसे भी खत्म हो गया, सोना है कि वो पुलिस वाले थे, हम तो सबको भगा दिए बाहर, पुलिस वाले थे से हमको तो पूरा बाहर बाहर भगा दिए, बाहर निकाल दिए सबको, बाहर भगा दिए, हमको ठहरने में मुश्किल नहीं हो रहा था, हमारे से साइन ही नहीं हो रहा था, इतना धुआं कुछ दिख ही नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना क्या नहीं, सांस लेना भी नहीं, सांस हमको तो इतना लग रहा है, घबराहट एकदम, हम तो चक्कर चक्कर आ गया था, एकदम इतना मिल गया था, केमिकल कोई ये कोई सादा वाला केमिकल नहीं है, वो बहुत हार्ड केमिकल है, उसका इतना धुआं आप देख सकते हैं, नीचे कितना गंदा पानी रखा हुआ है, पूरे उसके पिलर्स के ऊपर पूरे मलबे नीचे गिर रहे हैं, धीरे धीरे गिर रहे हैं वो, ये देखिए ना पूरे, ये किस चीज का केमिकल था वो, ये जो गाड़ियां साफ करते हैं वो जो उसके केमिकल वही है, स्प्रे टाइप रहते हैं ना, कितने टाइम से है उनकी यहाँ गोडाउन, अभी 2 साल ही हुआ है, अभी अभी में 2 साल हो गए, तो परमिशन कैसे मिल गया उनको, वही तो वही एक ऐसे कॉलोनी में बस्ती में वो सब इसकी अलाउ परमिशन नहीं होती है, धुआं ही निकल रहा है, तो जो जो आंटी जो लेडीज की डेथ हुई है अंदर पता चला कि वो अंदर ही रह गई है, वो काम करती है वहाँ पर, और तो एक्चुअली काम करती है, वो ऊपर चली गई काम करने में, उसको पता नहीं चला नीचे आग लग गई है घर के, तो जब वो ऊपर चली गई उसको पता नहीं चला, ऊपर साइड में पहले आग नहीं थी, नीचे साइड में थी, जब ब्लास्ट बढ़ गया तो उसने निकलने की कोशिश की होगी, लेकिन वो नहीं निकल पाई क्योंकि आग तब तक के पूरी ऊपर लग चुकी थी, बहुत मिनटों में बिल्कुल सेकंड्स में बिल्कुल, जैसे पेट्रोलिंग हो जाता ना जैसे आग लग जाती वैसे ही बिल्कुल ब्लास्ट बिल्कुल बढ़ने लग, पीछे दरवाजा था लता लता काटर लता वो यही रहते इसी लता गोपाल काटर, क्या लगा रहे हमारे इधर है हमारी चाची लगती है ये वाले, एक मिनट साइड हो जाओ, एक मिनट तो जिसका ये गोडाउन है अल्ताफ आपने जो बताया उनकी तरफ से अभी क्या है, क्या बोलना क्या चाहते हैं, पता नहीं वो बंदा ही नजर यहाँ से गायब है बंदा, तो फिर आप अभी बस्ती वाले कुछ ऑब्जेक्शन नहीं होंगे उसके लिए, ऑब्जेक्शन लेने की बात कैसा, हमारे तो चाची लगती तो हमको तो ऑब्जेक्शन लेना ही पड़ेगा ना, तो जो हमने तो पूरा आजू-बाजू के भी लोगों का बहुत सारा लाखों का नुकसान हुआ है, इसको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, घर का भी पूरा जल गया, हमने तो बहुत बुझाने की बहुत कोशिश करे, तो मुश्किल से भगवान का आशीर्वाद है कि बच गया, जल गया मेरे भाई का, मेरा एक छोटा भाई आनंद करके उसका भी हाथ थोड़ा सा ना जल गया, मतलब स्वेलिंग आ गई पूरे बुझाने के चक्कर में, मतलब फुल नहीं जला हल्का सा, परमिशन कैसे क्या, परमिशन का तो बिल्कुल आइडिया नहीं है मेरे को, परमिशन का बिल्कुल आइडिया नहीं है, हमारे रिलेटिव है खास है हमारे घर के, लेकिन हमको इतना कुछ पता नहीं, ये घर के ओनर कौन है, अनिल अनिल काटर यही रहते हैं, उन्होंने परमिशन दी उनको यहाँ ये सब करने की, लेकिन जैसे कि देखा जा रहा है कि बहुत ही लाखों का नुकसान उनको भी हुआ होगा और आजू बाजू वाले लोगों को बहुत ज्यादा, पूरा ही मतलब पूरी बिल्डिंग जो है बैक साइड का थोड़ा सा बचा है, लेकिन फ्रंट साइड का जितना भी ये वाला पोर्शन जो है ना फ्रंट साइड का फुल्ली पूरा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पूरा जो है, और उसके ऊपर साइड में भी जो है पूरा पूरा मतलब बर्न हो गया, जिनके डेथ हुई उनकी उम्र क्या थी, 50 साल, हाउस नियर अबाउट 50-45 हाँ, उनके फैमिली वाले वगैरह, और अभी तो दवाखाने गए, उनके चाचा है और उनका भाई है, जैसा कि आप देख रहे हो जिस गोडाउन में ये आग लगी है उसके आसपास का एरिया भी पूरी तरह से जल के खाक हो गया है, ये है हमारे अभी तक
कपड़े उनके पूरे शादी के कपड़े थे, बेटा बेटी के लिए शादी के कपड़े वपड़े सब खरीद के रखा था। हाँ अंकल, शादी के कपड़े वपड़े खरीद के रखे थे, बच्चों के जूते चप्पल जेवर पैसे वैसे सब पूरा जल गया हमारा। मेरा नाम अशोक रंगन्ना काटरपोर। हमारे दुकान का ये बाजू में केमिकल का ये बेचता शॉप है, उसके शॉप में आग लग गया है, तो उसके आग से वो पूरा बिल्डिंग पे घर पे आग पकड़ लिया। वो शटर बाजू में होने से हमारे घर को भी आग पकड़ लिया, उसके ऊपर तक के लपटे आ गए, उसके लपटे आने से वो पूरा हमारे घर को पूरा ये ले लिया उसमें। आप ऐसा हाँ, फोटो भी उतार लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आग की वजह से पूरा इन लोगों के घर का सामान, नए नए कपड़े अपड़े पूरे जल गए, ये सब जल गया है। जहाँ इन लोगों ने शादी की शॉपिंग करके रखी थी अपने बच्चों के लिए, बेटा बेटी के कपड़े जल चुके हैं, बेटा बेटी दोनों के लिए, उनके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जल चुके हैं, जैसे पासपोर्ट वगैरह भी। दुबई से जाके आया बेटा, दुबई से जाके आने के बाद वो पूरा खत्म, कुछ भी पूरा कागज वगैरह सब जल गया उसके। प्लास्टिक केस में रखा था, इसमें पूरा जल गए, नए कपड़े पूरे निकाल निकाल के अलमारी में से बाहर करे ताकि बच जाएंगे करके, मगर बचने का नाम ही नहीं रहा। उधर के अलावा फिर बाहर में भी रखे हम लोग, बाहर भी देखिए ये पूरे नए नए कपड़े, ये देखो नए नए कपड़े हो गया, भाव धुआं भर गया। ये बेटी नारी थी, अंदर बेटी नारी थी, इसको निकालने फिर पुलिस वाले निकाल जाके, ये छोटी बेटी। हाँ क्या देखा कि जिस एरिया में छावनी परिसर में आग लगी थी वहाँ अभी भी माहौल पूरी तरीके से गर्म है, क्योंकि अचानक से ये सामने आया है कि उस बिल्डिंग में एक जो लेडीज़ थी वो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुकी है। तो हमने आपको पूरा नज़ारा दिखाया है कि यहाँ की सिचुएशन क्या है।